एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो यस, हम हैं गोवा में। वाओ, एज यू ऑल नो, एंड बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है सीरियसली। सो यस, योवान के बर्थडे की तैयारी चल रही है गाइस, एंड ये ब्लॉग कुछ इसीलिए मैं बना रही हूँ आज। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या तैयारी चल रही है योवान के बर्थडे की। सो आज मैंने रखा है योवान के बर्थडे का शूट, प्री बर्थडे शूट। गाइस, योवान तो अभी सो रहा है एंड वो उठेगा एंड उसका खाना तैयार कर लेती हूँ क्योंकि अभी उठने का ही टाइम हो रहा है उसका बस। एंड जल्दी से चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करते हैं। तो चलिए गाइज, मैंने अपने खाने के लिए तैयार कर लिया वेजिटेबल सैंडविच। मैं बनाने वाली हूँ बीटरूट का कुकम्बर एंड अनियन, थोड़ा सा पनीर यूज करूंगी मैं उसमें। एंड तो ये है योवान का खाना जो कि पूरा घर में बनाया है मैंने अच्छे से, एकदम बहुत सारी चीजें डाली हैं। इसका वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दूंगी, अभी तो नहीं। योवान को मैं एक दो बार ये देती हूँ दिन में खाना क्योंकि नॉर्मली वो खाना खाने लग गया है, अब तो वो सब कुछ खाता है, अब हमारे साथ सारा खाना खा लेता है प्रॉपर। एंड मतलब सब्जी वगैरह हम उसे नहीं दे रहे हैं, बट रोटी, पनीर, दही, छाछ, गुड़ भी मैं कभी कभी खिला देती हूँ उसको, तो ये सब मैं उसे खिलाने लगी हूँ। एंड यस, बाकी मैं प्रोटीन वाला जो इसका खाना है वो एक दो बार दिन में दे देती हूँ क्योंकि वो जरूरी है देना इसीलिए। एंड चलिए अब जल्दी से मैं इसको खाना बना के खिला देती हूँ क्योंकि खिलाते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे इतना खेलना पड़ता है इसके साथ खिलाते हुए। इतना शोर, मम्मा अभी खाना बना रही है आपके लिए। ओके तैयारी हो गई है। योवान, योवान ना जल्दी फ्रेंडली हो जाता है ये। योवान बर्थडे प्रेप्स, हाँ एक्चुअली इज अ वेरी फ्रेंडली किड। Yes, he is, because usually at this age they don't come very easy. Yeah. To know somebody unknown, and he is so comfortable in my hands. He likes to be like, I'm make so friends. Happy. I'm so so happy. Yuan, this is for you. So guys, यहाँ पे shoot हो गया start Yuan का, and he is enjoying a lot. Yuan, come on, Yuan, Yuan, touch him, guys. Next change, Yuan, come. Naughty boy. शूट हो गया है एंड अभी निनी भी आ गई है युवान को, है ना युवान? गाइस रैप अप हो रहा है, सो एवरीवन इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड लॉरा इज सो फ्रेंडली आई कांट टेल यू, शी इज टू गुड एंड शी इज लाइक वर्किंग अलोन, अकेली सब कुछ मैनेज करा उन्होंने एंड मुझे देख के बहुत अच्छा लगा सीरियसली। सो आप लोग को अगर कोई भी शूट कराना है स्पेशली फॉर बेबी शूट, राइट? वी आर स्पेशलाइज्ड इन बेबी शूट, न्यूबॉर्न्स एंड किड्स, ओके। सो शी इज स्पेशलाइज इन न्यू बॉर्न बेबी शूट जो आजकल फैंसी फैंसी चल रहे हैं उस टाइप के, एंड येस अप टू 6 and 7 ईयर्स। The next day. So guys, new day, but the same vlog. क्योंकि कल मेरा फोन का स्टोरेज फुल हो गया था तो मैं नहीं बना पाई व्लॉग कंटिन्यू, सो रात में पूरा डिलीट व्लीट करके वीडियोज जो एक्स्ट्रा थी वो सब, तो अब मैं दोबारा बना रही हूँ। सो यस, ये देखिए घर में पीछे हो गया थोड़ा थोड़ा खाली क्योंकि पुराना फर्नीचर हम लोगों ने निकाल दिया है एंड नया फर्नीचर आएगा कल, सो इसीलिए थोड़ा सा स्पेस बना लिया। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ खाली घर अपना, एंड उधर जाके मैं भी देख लेती हूँ। सो यस, ये देखिए, ओ माय गॉड, युवान आपके
तो यहाँ से डाइनिंग टेबल वगैरह सब गायब हो गया है, ये अलमीरा बाहर रख दी इन्होंने। एंड यहाँ युवान के सामान, सोफा था तो काफी गंदा हो रहा है। एंड ये बेड वगैरह सब कुछ बाहर जाएगा गाइस, हमारा खाली घर, कल सामान आ जाएगा वैसे। एंड यस, हेलो युवान, इस घर की सफाई हो गई है एंड मम्मी पापा भी आ चुके हैं, तो बस अब जल्दी से चलते हैं मम्मी पापा को लेने एंड आप लोगों को मिलती हूँ रास्ते में, चलिए जल्दी से। सो गाइज, शाम हो गई है एंड मम्मी पापा भी आ गए हैं युवान के बर्थडे के लिए। युवान का बर्थडे ब्लॉग बन रहा है। युवान दादी आई, सो गाइस मम्मी पापा आ गए हैं एंड अब बस डिनर करते हैं एंड मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्यार दीजिए बहुत सारा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।